हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली डोज बॉक्स के एक और नए वीडियो में, जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और आप लोग का जो एक सवाल बहुत आता है वीडियो के कमेंट बॉक्स में, मेरा कोई भी वीडियो होता है उसके कमेंट बॉक्स में एक सवाल आ रहा है इस समय कि सर वेटिंग लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगी कि नहीं। छोटा सा वीडियो है, 2 से 2.5 मिनट का वीडियो है, पूरा देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, पूरे देश में जवाहर नवोदय विद्यालय संचालित हैं जो कि 650 प्लस हैं, लेकिन इस बार जो है वेटिंग लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आई है। और आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पता ही होगी, navoday.gov.in, जो कि नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट है। ऐसा क्या कारण है जिस वजह से ऑफिशियल वेबसाइट पर एक साथ लिस्ट प्रोवाइड नहीं की गई है, उसका भी रीज़न मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और जो सवाल आप लोग पूछ रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगी कि नहीं, तो उसका जवाब भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आपके पहले सवाल का जवाब दे देता हूं कि आखिर क्यों जो है वेटिंग लिस्ट अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आई है। 650 प्लस जवाहर नवोदय विद्यालय संचालित हैं और बहुत सारी जगह से संपूर्ण डेटा, जो वैकेंट सीट है यानी कि कितने बच्चे अभी तक एडमिशन लेने नहीं आए हैं, कितने बच्चे जो है वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, कितनी सीटें खाली हैं, ऐसा कोई भी डेटा जो है कई सारे विद्यालयों से अभी तक नवोदय विद्यालय समिति के हेड ऑफिस में नहीं पहुँचा है, जिस वजह से एक साथ ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट नहीं आई है। जहाँ का डेटा पहुँच गया है वहाँ का जो है ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है, उस नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, या फिर उन्होंने जो आपका दूसरा माध्यम है कि नोटिस बोर्ड पर वो चस्पा कर देते हैं, उस माध्यम से वेटिंग लिस्ट जारी कर दी है विद्यालय स्तर पर। नवोदय विद्यालय समिति में बहुत सारे विद्यालयों का डेटा नहीं पहुंचा, जिस वजह से एक साथ वेटिंग लिस्ट जो है वहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट नहीं की गई है। अब दूसरा सवाल आपका ये है कि आखिर मतलब आएगी कि नहीं आएगी ये वेटिंग लिस्ट जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसे रिजल्ट अनाउंस होता है वैसे अनाउंस की जाएगी कि नहीं की जाएगी। तो कल मेरी बात हुई थी नवोदय विद्यालय समिति के हेड ऑफिस में और वहाँ से सीधा सा जवाब मिला कि अब जो है जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपकी वेटिंग लिस्ट पब्लिश नहीं की जाएगी, अगर की जाएगी तो दिसंबर तक हो जाएगी, अगर नहीं आती है तो बिल्कुल भी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो नहीं आएगी। वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बस मैं इतना कहना चाहूँगा, जितने भी अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं वेटिंग लिस्ट का, जितने भी स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई वेटिंग लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड होगी, तो आप इंतज़ार ना करें। आपने जो है अपना नवोदय विद्यालय जो भी चूज़ किया होगा, आपने जो है पास में ही चूज़ किया होगा, कोई दूर जो है नवोदय विद्यालय चूज़ नहीं किया होगा, आप जो है वहाँ पर जाकर विजिट कर लीजिए, वहाँ पर जाके पूछ लीजिए, वहाँ के ऑफिस में जाके संपर्क कर लीजिए कि सर वेटिंग लिस्ट आई है कि नहीं आई है। अगर नहीं आई है तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, और अगर आ गई है तो आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरा माध्यम कि लोगों के पास कॉल्स पहुँचते हैं, SMS पहुँचते हैं, और पोस्टमैन चिट्ठी भी लेके आ सकता है आप सभी के लिए। तो वेटिंग लिस्ट अनाउंस हो गई है, ऑफिशियल वेबसाइट का इंतज़ार ना करें। जो अभ्यर्थी जिनको लगता है कि उनका सिलेक्शन हो सकता था, वो फटाफट से जाकर नवोदय विद्यालय में विजिट कर लें, यानी वहाँ जाकर ऑफिस में संपर्क कर लें। दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति से जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा मैं ऑथेंटिक जानकारी ही लेके आता हूँ। वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।